प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 90 के दशक के बच्चों की यादों में सर्कस की खास जगह है। बच्चे साल भर इंतजार करते थे कि उनके शहर में सर्कस कब आएगा, कब वे कलाकारों को हवा में कलाबाजियां करते देखेंगे, कब तोते को साइकिल चलाते देखेंगे और हाथी को फुटबॉल खेलते देखना तो कितना रोमांचक होता था। समय के साथ ये सर्कस कंपनियां गुम सी होती चली गई। लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक सर्कस कंपनी फिर से लोगों का मनोरंजन और उन्हें रोमांचित करने को तैयार है, वो भी डिजिटली और ऑनलाइन। कंपनी का नाम है रैम्बो सर्कस। पुणे का रैम्बो सर्कस डिजिटली लोगों का मनोरंजन करने आ रहा है, हालांकि इस बार थोड़े बदलाव के साथ। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्कस रैम्बो 1 घंटे का ऑनलाइन शो लाने वाला है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शो होगा। दर्शक कलाकारों को रस्सियों पर चलते, एक पहिए वाली साइकिल चलाते, स्लीट करते और हवा में कलाबाजियां खाते देख सकेंगे। जोकर दर्शकों को हंसाएंगे भी, हैरत अंगेज जादू भी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन सर्कस देखने के लिए दर्शकों को बुक माई शो पर जाकर टिकट लेना होगा। शो की स्ट्रीमिंग 25 सितंबर से होगी। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए रोमांचित करने वाला होगा जिन्होंने 80 और 90 का दशक देखा है। सर्कस कंपनी के मालिक दिलीप ने कहा कि हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी के बच्चों को भी सर्कस से परिचित करवाना है। सर्कस की स्ट्रीमिंग ऑनलाइन होनी है, इसलिए पहले इसकी शूटिंग की गई। भीड़ से अलग कैमरे के सामने परफॉर्म करना कलाकारों के लिए नया अनुभव था, क्योंकि यहां साउंड और रोशनी का भी ध्यान रखना था। कई बार एक परफेक्ट शॉट के लिए कलाकारों को काफी देर तक एक ही पोजीशन में रस्सी में लटके रहना होता था। कलाकारों का कहना है कि ये तकलीफदेह था लेकिन रोमांचक थी। जानकारी के मुताबिक रैम्बो सर्कस की स्थापना 26 जनवरी 1991 को हुई थी। सर्कस देश और विदेश के कई शहरों में परफॉर्म कर चुका है। इसके मालिक दिलीप बताते हैं कि उन्हें पुणे नगर निगम की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। रैम्बो सर्कस ने साल 2011 में मोंटे कार्लो में वर्ल्ड सर्कस डे सेलिब्रेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रैम्बो सर्कस कंपनी के मालिक का कहना है कि उनका इरादा सर्कस को अपग्रेड करने का था। इसमें संरचनात्मक बदलाव के साथ साथ 3D तकनीक जोड़ने की योजना थी। इसके लिए रूस और इटली जाने का प्लान था, लेकिन महामारी की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। सर्कस के मालिक दिलीप का कहना है कि भारतीय सर्कस के मानकों में सुधार करना बेहद जरूरी है। रैम्बो सर्कस आने वाले वक्त में एनिमेट्रॉनिक्स, प्रोजेक्शन मैपिंग, 3D टेक्नोलॉजी और स्पेशल इफेक्ट्स जैसी चीजों के लिए खुद को अपडेट करेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com